हेलो फ्रेंड, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पावर मैथ विथ मी के साथ। आज का जो टॉपिक है वो वर्गमूल पर है, और वो भी सिंपल ट्रिक में, आसान ट्रिकों में, बस कुछ ही सेकंड में इसका आंसर आ सकता है। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें स्क्वायर का मतलब सभी नंबर्स का स्क्वायर आना चाहिए। जैसे वन का स्क्वायर, वन टू का स्क्वायर, फोर थ्री का स्क्वायर, नाइन फोर का स्क्वायर, सिक्सटीन फाइव का स्क्वायर, ट्वेंटी फाइव सिक्स का स्क्वायर, थर्टी सिक्स सेवन का स्क्वायर, फोर्टी नाइन और एट का स्क्वायर, सिक्सटी फोर सिक्सटी फोर नाइन का स्क्वायर, 81 हंड्रेड का स्क्वायर, हंड्रेड का स्क्वायर कितना होगा, सॉरी टेन का स्क्वायर कितना होगा, टेन का स्क्वायर होगा हंड्रेड। तो ये आपके स्क्वायर नंबर्स हो गए। अब हम लोगों को पहला वाला नंबर सॉल्व करना है, इसमें है आपका 5184। तो हम लोग को इसमें टू डिजिट का पेयर बनाना पड़ेगा। जैसे कि क्यूब रूट होता है तो इसमें थ्री डिजिट का पेयर बनाएंगे, और स्क्वायर रूट है तो इसमें टू डिजिट का पेयर बनाएंगे, दो नंबर्स का जोड़े। अब 84 एक ये पेयर हो गया, एक 51 का पेयर हो गया। अब ये जो फर्स्ट पेयर होता है उस पेयर का लास्ट नंबर देखेंगे वो किसका स्क्वायर है। जैसे ये फोर कहाँ पर है, ये है, ये टू का स्क्वायर है, तो सिंपली आप यहाँ पर खाली टू लिख देंगे। अब ये 51 है जो पेयर में, अब हमें इसमें स्क्वायर नहीं ढूंढना, अब इसका हमको प्रोडक्ट ढूंढना, मतलब कि इसमें ये 51 किस नंबर से बड़ा है या छोटा है। देखो ये 49 और 64 के बीच में है, तो जो छोटे वाला नंबर्स है उसको लेंगे, तो ये 7। देखिए कितनी जल्दी इसका आंसर आ गया। अब 42 25 है, इसमें भी वैसे ही करेंगे एज इट इज़। ये 25 है, 42 है, तो फर्स्ट वाला जो पेयर है आपको उसका लास्ट नंबर लेंगे। उसका लास्ट नंबर क्या है हम लोगों का, 5 है। 5 किसका स्क्वायर है, सॉरी लास्ट नंबर क्या है आपका, 5। तो ये 5 जो है किसका स्क्वायर है, 25 5 का, हम लोग ये 5 लिखेंगे। अब ये 42 देखना है किसके मिट में आता है, किसके बीच में आता है, 36 से 49 के बीच में, तो लेकिन हम लोग को छोटा नंबर लेना है, तो ये 6 वाला लेंगे, 65 हो जाएगा। अब 38 54, अब इसमें भी टू पेयर्स बनाएंगे और लास्ट में जो नंबर्स है उसको देखेंगे। 4 है, अब 4 देखिए कहाँ पे है, टू के उस टू के स्क्वायर में 4 आता है, 2 लिखेंगे हम। अब ये 38 किसके बीच में आता है, देखिए 36 और 49 के बीच में, तो यहाँ पर हम लोग फिर 6 लेंगे क्योंकि हमें छोटे नंबर्स लेना है, 6। अब 10404 है, हो गया। तो पहला जो शुरुआत करेंगे वो पेयर ही लेंगे, टू डिजिट पेयर बनाएंगे, और जो लास्ट का बचेगा वो थ्री डिजिट पेयर में हो जाएगा। तो हम लोगों को पहला पेयर देखना है, पहला डिजिट है टू डिजिट का, ये फर्स्ट वाला, तो इसके लास्ट में 4 है, तो 4 किसका है, 2 का स्क्वायर है। अब ये लास्ट में इसका 104 है। अब देखिए ये तो 100 तक हो गए ना, इसलिए हम एक नंबर और बढ़ा रहे हैं, 11 का स्क्वायर कर रहे हैं, तो 11 का स्क्वायर करेंगे तो 110 आएगा। तो देखिए 100 और 110 के बीच में 104 है, तो इसका स्क्वायर 10 लेंगे क्योंकि 10 छोटा नंबर्स है। अब 10 201, अब इसमें भी वैसे ही करेंगे, 2 का पेयर 3 का पेयर, लास्ट में क्या है 1, तो 1 ही का स्क्वायर रहता है, 1 लिखेंगे। अब 102 किसके बीच में है, 100 और 110 के बीच में, तो जो छोटा नंबर है उसको लेंगे, 10 छोटा है तो लेंगे। तो ये सभी इनके क्या हो गए, स्क्वायर, ये इसका आंसर हो गया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए वीडियो को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।